राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि भाजपा युवा नेता नीरज सिंह द्वारा इस 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। वहीं इस मेले के शुभारंभ कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। इसी क्रम में भाजपा युवा नेता नीरज सिंह ने बताया कि इस स्वास्थ्य मेले में हजारों की संख्या में लोगों ने अपना चिकित्सा परीक्षण करवाया है और जांच के बाद आए लोगों को निशुल्क दवाएं भी वितरित की गई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम द्वारा शिविर में आए लोगों का बेहतर तरीके से चिकित्सा इलाज किया गया। सुविधाएं यहां पर निशुल्क हैं, किसी भी सुविधा मेडिकल सुविधा का यहां का कोई चार्ज नहीं है। यहां कृत्रिम हाथ पांव, यहां पर ट्राई साइकिल, यहां पर हियरिंग एड्स, यहां पर चश्मे, सभी कुछ यहां पर मुफ्त दिए जा रहे हैं। पिछले वर्ष 17,000 लोगों की ओपीडी हुई थी, इस बार उससे ज़्यादा संख्या हम मान रहे हैं। हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हमारे बीच में थे, हमारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी थी, हमारे उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की जो कल्पना की है लखनऊ में, हमारे साथी नौजवान साथी नीरज सिंह जी इस काम को स्वच्छ लखनऊ सुंदर लखनऊ बनाने की कल्पना के साथ काम कर रहे हैं। आज भव्य आयोजन हुआ, उपराष्ट्रपति महोदय ने अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है और आप देख सकते हैं तमाम जनता यहां मौजूद है जो फ्री में अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था का चेकअप कराने आई है। तो देख सकते हैं अलग अलग कैंप लगे हुए हैं, जैसे कि बता दें हर एक कैंप में अलग अलग सुविधाएं दी गई हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या कितने लोग यहाँ तक अभी तक पहुँचे हैं और कितने लोगों की आप मदद कर चुके हैं अभी तक। अभी तक यहाँ तो 100 से ज़्यादा ही हो गए होंगे, अब ज़्यादा मात्रा में लोग आ रहे हैं यहाँ, जो है कि इतना ज़्यादा आ रहे हैं, लोगों को अच्छा भी लग रहा है और जो है कि लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, घर पर जाएंगे हम करेंगे और बाकी संपर्क भी लोग कर रहे हैं योग करने के लिए। आपको उनकी समस्याओं का पता कैसे पता चल रहा है, क्योंकि कुछ तो देखने से भी पता चल जाता है कि और कुछ तो बताते हैं, अंदरूनी जो प्रॉब्लम होती है वो हमें बताते हैं तभी हम जान पाते हैं। बाकी कुछ चीज़ें जैसे घुटने का है, वेट ज़्यादा है, तो उसे हम देखकर भी पता लगा सकते हैं कि हाँ ये इस तरह के पेशेंट हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ निःशुल्क वो बता रही हैं, लोगों की हेल्प कर रही हैं, अलग अलग कैंप लगे हुए हैं यहाँ पे, होम्योपैथिक से भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। तो इनसे पूछेंगे कि सर अभी तक कितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं? 67 लोग मेरे पास आ चुके हैं। आपने अभी तक कितने लोगों का इलाज किया है? इतने ही लोगों का इलाज किया, जो लोग हमारे पास आए हैं 67 लोगों का इलाज किया है। आपने उनको बताया, मतलब उनके जो लक्षण है कैसे बताया कि उनको क्या बीमारी? पेशेंट आता है अपने आप, वो बताता है डॉक्टर को क्या पेशेंट क्या बीमारी मुझे है, और जो मेस्टली पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं वो रूमेटिक पेन के आ रहे हैं और स्टमक पेन के आ रहे हैं, उस तरह के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। सर, जो इनकी दवाइयों के लिए वो बना गया है, अवेलेबिलिटी क्या किया है? अवेलेबिलिटी हमारे अधिकारी ने हमें दी है, दवाइयाँ उपलब्ध कराई हैं, जो हमारे जिले के अधिकारी हैं उनके द्वारा हमें दवा दी गई है, उस दवा को लाकर के हम बिना पैसे के यहाँ बांट रहे हैं, निःशुल्क बांट रहे हैं दवाइयों को।